नमस्कार बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गोंदिया जिले में इस समय शारदीय नवरात्रि बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। जिले में दुर्गा उत्सव के माध्यम से कई आकर्षक दृश्य देखे जा सकते हैं और तस्वीर से पता चलता है कि इन दृश्यों को देखने के लिए नागरिकों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। ऐसी एक आकर्षक और भव्य महाकाल प्रतिमा गोंदिया शहर के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में बनाई गई है। देखा जा रहा है कि इस नजारे को देखने के लिए नागरिक बड़ी संख्या में भीड़ लगा रहे हैं। तो क्या ये नजारा, इस पर पेश है एक खास रिपोर्ट बीसीएन न्यूज चैनल की। शिव दुर्गा मंडल द्वारा पिछले 40 वर्षों से भव्य पैमाने पर दुर्गा उत्सव मनाया जाता रहा है। इस वर्ष आकर्षण का केंद्र दुर्गा उत्सव के लिए कोयम्बटूर में आदिनाथ की महाकाल मूर्ति की प्रतिकृति है, जिसमें प्रवेश द्वार के अंदर एक सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग दृश्य है। आदिनाथ की मूर्ति से देखा जा रहा है कि इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए शहर के साथ साथ जिले के नागरिकों और भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसलिए हर साल इस मंडली द्वारा विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस वर्ष 12 ज्योतिर्लिंग का एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। आदिनाथ की मूर्ति के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। आज शिवलिंग की पिंडी पर अभिषेक किया गया है कि पिछले 40 वर्षों से शिव मंडल न कि गोंदिया बल्कि पूरे भंडारा जिले और विदर्भ में इस मूर्ति स्थापना को लेकर चर्चित है और हम हर साल नया कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वर्ष कोयम्बटूर में स्थित योगी आदिनाथ की एक बहुत बड़ी 51 फुट की मूर्ति स्थापित की है, जिसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। और इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए हमने आज दिनांक 19/10 को एक सहस्त्र धारा अभिषेक, जो कि 1008 धाराओं से और 1008 तत्वों से शिव जी को प्रसन्न किया जाएगा। उसी के चलते दिनांक 22/10/2023 रविवार को महाअष्टमी के रूप में हम उज्जैन की प्रसिद्ध बाबा महाकाल की पालकी गोंदिया में लाएंगे, जिसमें वहाँ से 200 कलाकार ताशे और ढोल के साथ बजाएंगे और यह जो पालकी यात्रा होंगी पूरा नगर का भ्रमण करेंगी। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया शहर के सिंधी कॉलोनी में एक शराबी मुखिया लाठी लेकर एक घर में घुस गया और घर के ऊपर चढ़ गया। और जब घर की महिलाओं ने देखा कि वे घर से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने फोन कर मुझे सूचना दी। मेरे नगर सेवक ने गोंदिया शहर पुलिस को इसकी सूचना दी। मेरे पार्षद ने पुलिस और क्षेत्र के लोगों की मदद से संबंधित माथे फिरू को नीचे उतारा और पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह सिरफिरा कहां से आया और घर में कैसे दाखिल हुआ। सर, मैं गया था बैंक, मुझे घर से फ़ोन आई मेरी मिसेज की कि एक कोई घुस गया डंडा लेके बड़ा घर में। तो मैं आया तो ये हमारे घर के ऊपर एकदम टॉप टेरेस पे चढ़ गया था। उसको मैंने बहुत समझाया, नीचे उतर, पर वो नीचे नहीं उतरा। फिर हमारे मोहल्ले के और भैया लोग आए सामने, तो उनके साथ में हमने उनको नीचे उतारे। आगे तेरे को पैसे चाहिए, क्या खाना वाना खाएंगा, क्या बोल, नीचे उतर, पर वो उतरने को नहीं देख रहा था नीचे। पुलिस को फ़ोन किए। गोंदिया से बीसीएन न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। विद्याभूमि स्कूल में मां भगवती की पूजा व आराधना का पर्व और अधर्म अन्याय और अत्याचार पर धर्म की विजय का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया और गरबा नृत्य की धूम के साथ संपन्न हुआ। गरबा प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं में विभिन्न समूह में उत्साह पूर्वक भाग लिया। गरबा प्रतियोगिता में विजय समूह को पुरस्कार वितरित किया गया। इसी अवसर पर दशहरा उत्सव पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन श्री राम जी के द्वारा दहन किया गया। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप धारण किए विद्यार्थियों ने रामलीला की प्रस्तुति की। श्री राम द्वारा रामायण का वध किया गया। स्कूल का प्रांगण जय श्री राम की जय घोष से गूंज उठा। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर यादव और डॉक्टर विजय यादव और प्राचार्य श्रीनिवास राव एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे। मातेश्वरी भगवती जगत जननी के नमन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ और नवरात्रि के इस पर्व पर समस्त जिले वासियों को नवरात्रि की बधाई देना चाहती हूँ। जैसे कि विद्याभूमि की परंपरा है कि सारे त्योहार हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने अभी नवरात्र का आज गरबा और माँ जगत जननी की आराधना के में मनाया है हमने, और बच्चे बहुत सुंदर रूप धारण करके आए हैं और बच्चों ने गरबा किया है और सारा विद्याभूमि परिवार भी आज, सारी हमारी लेडीज टीचर आज दुर्गा माँ लग रही हैं और सारे हमारे जेंट्स टीचर, सभी का ड्रेस कोड था और गरबा के रूप में बच्चों ने आराधना की और उसका हमने कॉम्पिटिशन भी रखवाया है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी धर्म का बच्चा हो, ये स्कूल है,
बच्चे सब धर्मों का आदर करना सीखते हैं, इसीलिए हम उनको सिखाने के लिए ये सारे सेलिब्रेशंस करते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इतने भव्य रूप में माँ दुर्गा की पूजा की, फिर हमने आज रावण दहन किया और रावण दहन में हमने बच्चों को राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण बनाया और बच्चों ने बहुत अच्छे से वो भूमिका की और बहुत अच्छे से अपने पार्ट को उन्होंने किया और पूरा विद्याभूमि आज दुर्गामय हो गया, धर्ममय हो गया। सो पुनः एक बार समस्त जिलेवासियों को, पूरे विद्याभूमि परिवार की ओर से बहुत बहुत नवरात्र की बधाई और बहुत बहुत दशहरे की बधाई। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए BCN न्यूज के साथ। नमस्कार।